स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं नैना देवी हिमाचल प्रदेश माता रानी के दर्शन करने। तो मेरे साथ मेरे भाई दोनों हैं। हाय गाइस, चलिए चलते हैं, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन चलो दर्शन करने जाते हैं इस बार फाइनली। काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल पहले गया था नैना देवी, बेसिकली दोबारा चलते हैं एक बार और। तो फाइनली हम आ चुके हैं लुधियाना के बस स्टैंड में और यहाँ से हम अपनी बस लेंगे और जाएंगे अनंतपुर साइड। तो फाइनली दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं अनंतपुर साहिब बस स्टैंड और यहां से हम अपनी सफ़र शुरू करेंगे नैना देवी के लिए। दोस्तों हम लोग अनंतपुर साहिब बस स्टैंड से उतरने के बाद और हम आ गए हैं टैक्सी में बैठने और टैक्सी का जो किराया है वो मात्र 100 रुपये, 100 रुपये लेके आपको नैना देवी तक छोड़ देगा अनंतपुर बस स्टैंड से। तो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 42 मिनट दिखा रहा है मेरा दोस्त बैठा हुआ उधर। तो दोस्तों अभी हम हैं फोटो पॉइंट पे जहाँ हम लोग फोटो खिंचाते हैं और ये मेरे साथ मेरा दोस्त फोटो पॉइंट। भाई हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कैसा अनुभव अभी तक का यहाँ पे? यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गाइस, मैं बता नहीं सकता इतना ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। और वो भी साला हम क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो से आए हैं, फिर भी इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं ना। हम लोग दर्शन कर लिए नैना देवी माता जी के, ये हमारे पास प्रसाद है, पहला टाइम हो चुका है, माता रानी के दर्शन हो चुके हैं तो निकलते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव गया हमारा, चढ़ाव सीधा नीचे चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है इधर। दोस्तों अब हम उतर रहे हैं नैना देवी जी के दर्शन करने के बाद और अब जाएंगे अनंतपुर बस स्टैंड। तो बस स्टैंड में जाने के बाद हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है, सारा कुछ कवर करूँगा इस व्लॉग में। करते हुए हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल गया जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे और आपको फुटेज दिखाएंगे, तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैं कुछ किस प्रकार लग रहा है यहाँ से नज़ारा।
सारे मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा इन्वायरमेंट एकदम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हुआ पड़ा है यहाँ पे। अरे कैसी कैसी बातें करते करते मंजी दे दे, गद्दा दे दे, आते इनको नींद लग जाती है, कैसे कैसे सुस्त लोग आ जाते हैं। और एक यहाँ पे अपनी अलग ही चलाई जा रहा है दुनिया, सबको दोनों को बैठ चाहिए, सबको बैठ दे दो गाइस, सबको सोना है। इतना घूम लेते जवानी है, पता नहीं कैसे इनको इतना नींद आ जाता है, थक जाते हैं। एक ये देखो इनको चाहिए गद्दा, तो थकता ही नहीं हूँ। तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, आपको जरूर आना चाहिए, एक बार विजिट अपने लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। देखो बच्चा कैसे अपने करामात दिखा रहा है, थोड़ा सा बेटा गिर गया ना तो नीचे जाएगा सीधा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सीधा नीचे आ जाओ, गिर जाओगे चोट लग जाएगा। बच्चों को आदत होता है ऐसे चलने का। दोस्तों ये देखिए कितना गाइस, कभी भी आओ तो ऐसे बंदे के साथ आओ जो सीरियस हो। ये देखो ये सीरियस, नो गाइस मैं सीरियस नहीं हूं गाइस, मैं थोड़ा मतलब थकान हो गया है, काफी दूर तक जाना है और 21 किलोमीटर है, मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि गलती से हमने एक रॉन्ग रूट ले लिया था, उसके हिसाब से हमें सारा डिस्टेंस जो है पैदल ही ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी, हमें पता लगा नहीं। भाई अपना अनुभव बताओ कैसा लग रहा है, मतलब आके तो बहुत थक गया हूँ मैं, अभी अनुभव नहीं बताऊंगा, बस मैं बताऊंगा जब रेस्ट करूंगा। तो मतलब आप पूरा थक चुके हो? हाँ। मतलब ऐसा क्या कारण था कि आप जो थक चुके हैं? गाइस 22 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है। तो दोस्तों 22 किलोमीटर आसान बात तो है नहीं, लेकिन आप अकेले तो चल रहे हो, मैं भी आपके साथ हूँ, वो भी आपके साथ है, वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आप थके हो या नहीं थके हो। ठीक है, लग तो रहा है, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, पर कोशिश करेंगे हम लोग की जल्दी से जल्दी जा सके, क्योंकि नहीं मेरे से नहीं पूछेगा। मेरा भाई सोनू सिंह, तो इनसे पूछते हैं कि क्या लगता है, मतलब थक गए कि नहीं, बताइए सोनू सिंह। गाइस मैं थका नहीं हूँ, पहली बात तो बिल्कुल नहीं थका हूँ, मेरी वीडियो आप देख लेना, अगर आप कह दोगे मैं थका हुआ हूँ फिर आप मुझे कहिएगा, पूरा एकदम फुर्ती है मेरा। दोस्तों अभी हम उतर रहे हैं नीचे और बस स्टैंड मतलब जाने वाले हैं, ताकि बस पकड़ के हम अपने घर चल जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज चुका है ऑलमोस्ट, तो यही कोशिश रहेगा कि हम शाम तक मतलब रात होते होते अपने घर पहुंच जाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरे तो बोल रहा है।